हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद अंडी। आज मैं लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल के लिए गेहूं के आटे से बना बहुत ही टेस्टी सा मोदक, जिसमें हमें मावा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ये इतना टेस्टी बनता है कि आप हमेशा यही मोदक बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना कैसे है देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन को गर्म कर लेना है लो फ्लेम पर। अब हमें इसमें ऐड करना है घी। 2 बड़े चम्मच हम घी ऐड करेंगे और ज़रूरत होगी तो हम 1 चम्मच बाद में ऐड करेंगे। अब इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है गेहूं का आटा 1 कप, और इसे हमें बिल्कुल धीमी आंच पे भूनते रहना है। तो कंटिन्यू मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भूना है। अब हमें इसमें और ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच घी। फिर से इसे भून लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आए और इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। और तो इसे हमें भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमें इसमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सभी ड्राई फ्रूट्स, जिसे मैंने हल्का सा भून के इसे ग्राइंड कर लिया है। इसमें है काजू, बादाम, खजूर, खसखस, सूखा नारियल और मखाना। अब अच्छे से मिक्स करके हम इसे इसी तरह से और भून लेंगे। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए 15 से 17 मिनट हो चुके हैं और गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि हल्का गर्म ना हो जाए। इसे हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म ही रखना है। तो मिक्सर को मैंने चलाते हुए हल्का गर्म रहने तक इसे ठंडा कर लिया है। तो अब इसमें हमें ऐड करना है गुड़। यहाँ पर मैंने गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, 1/2 कप मैंने लिया है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा डाल के ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। अब हमें लेना है मोदक मोल्ड, इस पर हम घी अप्लाई करेंगे। ये देखिए मोदक अब बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से और सभी मोदक हम बना लेंगे। तो लीजिए, गेहूं के आटे से बना बहुत ही टेस्टी सा मोदक बनके तैयार है। आपने देखा इसे बनाना बहुत आसान था और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये झटपट बनके तैयार हो जाता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस गणेश चतुर्थी और मुझे कमेंट के द्वारा बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।